देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। खबर लखनऊ के चौक में स्थित प्राचीन मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर में आरती के समय मंदिर प्रांगण के पंडित जी ने शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति को खंडित पाया, जिसके बाद इस मामले की सूचना मौके पर पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पता लगा कि युवक ने नशे की हालत में मूर्ति को तोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है, आज लेटे हुए हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है, यहाँ पर कल रात में एक घटना घटी जिसमें ये हमारे शनिदेव जी की मूर्ति को खंडित किया गया। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति जो है उसको यहाँ खंडित किया गया, ध्वज जो है उसको नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ जो मंदिर के प्रांगण के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने एक बेहतर काम किया और बड़ी घटना होने से बचाया। लखनऊ पुलिस ने भी बेहतर काम किया, उसको अरेस्ट कर लिया और करने के बाद कल रात में हम लोग ने उनसे बात की थी, प्रशासन के लोगों से, मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थाना चौक क्षेत्रांतर्गत लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों का को क्षति पहुंचाया गया है। उस व्यक्ति को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर गहराई से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पाया गया है। सभी एजेंसियों द्वारा बहुत गहराई से हर पहलुओं पे जांच की जा रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब जुड़े हैं। शादाब, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का ये, और उसको खंडित कर दिया गया एक युवक के द्वारा नशे की हालत में, क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि कल शाम की बात है, 7:30 बजे की बात, जब एक युवक मंदिर में आता है और हालांकि वो पूजा भी करता है, उसके बाद जब वो नशे में दिखता है तो फिर पुजारियों को शक होता है, तो उससे पूछा जाता है कि ये तुम्हारा नाम क्या है, तो वो पहले अपना नाम शिवम बताता है। उसके बाद जब पुजारियों को शक होता है तो पुजारी इसे ID मांगता है। जब वो आईडी देखी जाती है तो उस पर उसका नाम तौकीन लिखा होता है, तौफीक, जिसके बाद से ही उस पर शक जताया जाता है। बाद में जब उसने मूर्ति को तोड़ा है, उनमें से तोड़ दिया, तो उसके बाद पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। वहीं लखनऊ के थाना चौक में पुजारी ने सूचना दी थी, वहीं से मौके पे फोर्स आती है और उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ करती है। बाद में ये पता चलता है कि वो मूल रूप से रहने वाला सीतापुर का है या हैदरगंज में किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा है और उसको जेल भेज दिया गया है। अब ये पुलिस जांच कर रही है कि इसके पीछे किसका हाथ था, जो इस तरह की उसने हरकत की है, यहाँ की समुदाय को खराब करने की कोशिश की उसने। अब ये देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे किसका हाथ निकल के सामने आता है। वहीं जो हिंदू नेता है वो भी मौके पे पहुंचे थे, शशि चतुर्वेदी, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही है कि जो है इससे जो बंदा था, जो युवक जिसने ये हरकत की है, ये बहुत गलत है और ऐसी हरकत इनको बर्दाश्त नहीं है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस का भी जो बयान आया है, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही है कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उस पे सख्त कार्रवाई होगी और फिलहाल ये जो तौफीक है इसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, आगे की जांच पुलिस कर रही है। जी मनीष। शादाब, इसने पहले अपना नाम शिवम बताया, मंशा क्या थी? क्या फिर कोई उपद्रव करने की मंशा इनकी रही होगी? जाहिर सी बात है, हनुमान जी की मूर्ति को तो खंडित किया ही किया, साथ में बताया जा रहा है कि शनि देव की मंदिर को भी खंडित, मूर्ति को भी इन्होंने खंडित किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनाने का है कि जहां पर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ भी सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है। फिलहाल अभी जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल अभी पुलिस ये कहने से मना कर रही है, ना कुछ बता रही है कि अभी ये किसके पीछे किसका हाथ था। फिलहाल उसने गंभीर धाराओं में तौफीक के ऊपर मुकदमा लिखा है, उसको जेल भेज दिया है। वहीं अगर ये मंदिर की बात की जाए तो ये जाहिर सी बात है कि ये सौदाई बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ये बहुत गंभीर बात है कि इस तरह की हरकतें सही इस देश में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर ये हुआ है तो पुलिस पे संगीन धाराओं में मुकदमा लिख के तफ्तीश कर रही है।
शादाब, ये युवक रहने वाला कहाँ का है, ये किस क्षेत्र किस इलाके का है लखनऊ के? देखिए ये मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है, यहाँ किराए के मकान में हैदरगंज में रह रहा था, थाना बाजार खाला लगता है उस क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है कि यहाँ कब से रह रहा है और इसके बैकग्राउंड क्या है। फिलहाल अभी पुलिस कुछ भी बताने से मना कर रही है, वो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही हम कुछ आगे की बात आप लोगों को बता पाएंगे। जी शादाब, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई में सांडी थाना क्षेत्र के मस्जिद के गेट पर आजाद तत्वों ने राम लिखने जाने पर विरोध जताया, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस ने मामले को शांत कराया, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। सांडी में कस्बे में मस्जिद में विगत रात्रि किसी समय किसी असामाजिक तत्व ने गेट पर कुछ लिख दिया था और कुछ दीवार पर पुताई भी पेंट भी लगा दिया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उसको जो है साफ करा दिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर CCTV फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और CDR और BTS आदि से भी तलाश किया जा रहा है किसने ऐसा किया है। खबर पर हमारे संवाददाता हंसराज मौजूद हैं। हंसराज, सांडी थाना क्षेत्र में मस्जिद पे अराजक तत्वों के द्वारा श्री राम लिखे जाने पर विरोध जताया गया है, तो जाहिर सी बात है विरोध जताया भी जाएगा, क्या जानकारी है इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास? मनीष जी, मैं बता दूं कि ये सांडी थाना क्षेत्र ये तंजीम मस्जिद के मेन गेट पे जय श्री राम लिखा था अराजक तत्वों ने। जब इसकी सूचना इस स्थानीय पुलिस को लगी तो उन्होंने मौके पर जांच पड़ताल की, आला अधिकारियों को सूचना दी गई, वहां पे मौके पे पुलिस अधीक्षक जो है राजेश द्विवेदी भी मौके पहुंचे, उन्होंने मौका मायना किया और अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया है, जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ के जो मुफ्ती है, मुफ्ती ने भी कहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके की हरकत की गई है। ये अराजक तत्वों द्वारा इस तरह की हरकतों को किया, जो जिन्होंने ये सब नाम लिखने की कोशिश की है और माहौल खराब करने की कोशिश की, इन पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस 24 घंटे में दावा खुलासा करने का दावा कर रही है। तो शादाब, हंसराज, और आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? पुलिस जानकारी में जुटी हुई है, जिस तरीके से कह रही है कि वहां पे मौके पे जिले के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, कप्तान भी मौजूद हैं, उन्होंने चारों तरफ अपने उस तरीके से जांच बैठा रखी है। फिलहाल उन्होंने अराजक तत्वों पे अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। हंसराज, आसपास के क्षेत्र में जहां पे ये लिखा गया था वहां पे आपको क्या लगता है, वहां के आसपास के लोगों का क्या कहना है? उन्होंने अपनी मतलब कुछ तो आक्रोश जताया होगा और कैसे लोगों ने? हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मस्जिद पे जो मेन गेट है वहां पे जय श्री राम लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी त्योहार हुए हैं अभी पिछले उसमें सब त्योहार जितने भी बीते हैं वहां पे सब हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर बनाए हैं, कोई भी ऐसा कोई कदम किसी ने नहीं उठाया कि इस तरीके से माहौल खराब हो, लेकिन ये पहली बार अराजक तत्वों ने इस तरीके से हरकत की है। पुलिस भी अपनी नजर बनाई हुई है, कप्तान बराबर मौका मुआयना कर रहे हैं, लगातार वहां के आला अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी माहौल खराब ना हो और जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ के जो मुफ्ती हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ पे, वो भी कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे कुछ है नहीं माहौल खराब किया जाए। हंसराज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर औरैया जिले से है, जहां आवारा जानवर ने किसान काफी परेशान है। आपको बता दें कि किसानों की फसलें आवारा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बाद किसानों ने DM से आवारा पशुओं को लेकर शिकायत भी की है। वहीं किसानों की मांग है कि आवारा पशुओं को गौशाला में रखा जाए। साथ ही सपा विधायक ने DM को पत्र लिखकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके बाद DM ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पूरी रात अन्य जानवरों को रखाने का काम कर रही है और रात में जब ये अपने खेत की रखवाली करते हैं, अपने अपने खेत के सामने लाठी डंडा लेके बैठते हैं, तो पुलिस ऊपर से चली आती है इन्हें परेशान और करती है कि भागो यहाँ से, नहीं तुम्हारा बदमाशों में नाम लिख दिया जाएगा। तो किसान बेचारा क्या करे, जैसे तैसे तो उसने फसल तैयार कर पाई और ये जानवर सब खाए जा रहे हैं। महंगाई इतनी है कि बीज खाद पानी सब किसान को महंगा मिलता है, उसके बाद भी अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा अगर ये फसल
सब अन्ना जानवर काट गए, खा गए। इसलिए डीएम साहब से अनुरोध करने आए हैं कि या तो वहाँ पर बड़ा सा गौशाला खोलें और या सारे जानवर वहाँ से पकड़ के और अजीत मल के गौशाला में लाकर बंद करने का काम करें। इस खबर पर हमारे साथ औरैया से हमारे संवाददाता जाहिद हैं। जाहिद, औरैया में आवारा जानवरों से किसान बहुत परेशान हैं, इन्होंने डीएम से शिकायत भी की है, क्या जानकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास? मैं मनीष आपको बता दूं कि सपा विधायक प्रदीप यादव व किसानों ने जाकर डीएम को पत्र दिया आवारा मवेशियों को लेकर। वही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवारा मवेशियों को लेकर कई गौशालाएं बनाई गई है, पर वर्तमान में स्थिति तो ये गौशाला तो बनाई गई पर गौशाला में जो संरक्षक है वो उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, आवारा मवेशियों को छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना भी होती है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप अखबारों के माध्यम से पढ़ना देखते हो किस तरीके से आए दिन दुर्घटना हो रही है। वही आज जिलाधिकारी को एक संबंधित ज्ञापन दिया गया है जिससे कि आवारा मवेशियों को गौशाला में रखा जाए जिससे कि दुर्घटना ना हो। जाहिद, आपने जानने की कोशिश करी होगी किसानों ने, किसानों का क्या कहना है उस पर और कितनी औरैया में आपके गौशालाएं आपको लगता है कि होंगी जहां पे प्रबंधन नहीं हो पा रहा है इन गायों को रखने का? जैसा कि मैं आपको बता दूं गौशाला तो औरैया में जनपद में कई गौशाला बनाई गई है, वहां पर जिलाधिकारी द्वारा भी कई जगह निरीक्षण भी किया जाता है, पर वो सब मामला ऐसे रहता है। और किसानों का भी कहना यही है कि हम साहब रात को रखवाली करते हैं, उसके अलावा पुलिस हमको परेशान करती है, वहां से भगा देती है, झूठे मुकदमे फंसाने की बात भी करती है। तो किसानों की अगर बात किया तो काफी नाराजगी देखने को मिलती है। जाहिद, डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, पत्र लिखा गया है कि इन आवारा पशुओं को किसी तरह से रोका जाए, हमारी फसलों को बचाया जाए, तो डीएम ने अब तक कोई आदेश या कुछ उसमें कार्रवाई की बात कही है? हाँ, डीएम ने ज्ञापन ले लिया, उन्होंने कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वही अगर विधायक की बात की जो प्रदीप यादव की, तो उन्होंने एक मांग भी कही है कि अजीत मल्ले गौशाला है वहां पर बहुत बड़ी गौशाला है, वहां पर मवेशी रखे जाए जिससे किसी किस्म से किसानों का नुकसान न हो सके। जाहिद, सपा विधायक ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है, उन्होंने भी अपना इसको खेद व्यक्त किया है कि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आवारा पशुओं को जितनी जल्दी हो सके उनको गौशाला में रखा जाए या फिर उनको किसी जिनकी है वो अपना उसको बांधे। इस पे क्या विधायक जी की बात है? विधायक जी की अगर बात की जाए, विधायक जी ने लिखित अपने लेटर पर यह बात कही है कि गौशालाओं को गाँव को गौशाला में रखा जाए, किसलिए किसानों की फसलें बहुत नष्ट हो रही है। वही उन्होंने कहा है कि अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो किसान काफी परेशानियां देखने को मिल रही है और आगे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, आज ये घटनाएं घट रही हैं। जाहिद, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जानकारी अपने जिले में भी लीजिएगा कि गौशालों का प्रबंधन क्या है इस समय, वहाँ पे कितनी गाय है और उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था उचित है कि नहीं है, इसका भी थोड़ा हम चाहते हैं कि आप इसका संज्ञान लेकर हमारे पास की जानकारी और भेजिएगा। खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर गोंडा जिले के करनैलगंज तहसील मुख्यालय पर बने कंपोजिट विद्यालय से प्राइम टीवी के संवाददाता ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि विद्यालय में करीब 800 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं सभी बच्चे यूनिफॉर्म में थे और पढ़ाई से काफ़ी प्रसन्न भी नजर आ रहे थे। वहीं साफ सफाई और कई सारी सुविधाओं वहाँ ठीक भी मिली, हालांकि अभी भी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी से एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। मुस्पिका बेबी, कौन से स्कूल है, क्या सुविधाएं मिल सकती है जी? कौन से स्कूल है ये? कंपोजिट स्कूल है। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। मिड डे मील वगैरह और सब व्यवस्था सब अच्छी है। बेटा बताओ कैसी पढ़ाई होती है आपके विद्यालय में? सर बहुत अच्छी होती है। क्या क्या सुविधाएं मिलती है, खाना वाना, मिड डे मील वगैरह? यस सर, सब मिलता है। कोई दिक्कत पढ़ाई में होती है? नो सर। विभाग ने दिया वो कंपोजिट विद्यालय करनलगंज के नाम से, इस समय हम लोग इसको बोलते हैं। सारी सुविधाएँ जो विभाग के द्वारा हमको प्राप्त हुई हैं वो तो हमारे विद्यालय में हैं ही, इसके अलावा हमें जो रूम चाहिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रूम उपलब्ध हैं, लगभग 20 की संख्या है। हमारे जो भी बाथरूम हैं, जो भी टॉयलेट्स वगैरह हैं, उसमें रनिंग वाटर है, सारी सुविधाएं हैं लड़कियों के लिए, बालक बालिका, गर्ल्स बॉयज़ के लिए ये सब अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं और सब में जो है रनिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध है।
गोंडा जिले के कर्नेलगंज तहसील मुख्यालय पर बने कंपोजिट विद्यालय में प्राइम टीवी के संवाददाता ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में उनको सारी सुख सुविधाएँ बिल्कुल समुचित मात्रा में मिली। वहाँ पर बच्चे स्कूल ड्रेस में थे, शौचालय सारी व्यवस्था बिल्कुल सही थी, लेकिन वहाँ पर समस्या ये थी कि वहाँ पर टीचरों का अभाव मिला। 800 छात्राओं में टीचरों की संख्या कम मिली। अब इतने बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको टीचरों की भी उचित व्यवस्था की ज़रूरत है। तो प्राइम टीवी के संवाददाता ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय में करीब 800 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में भी थे, पढ़ाई से भी काफ़ी प्रसन्न थे, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था थी वहाँ पर। हालांकि शिक्षा विभाग के शिक्षकों की कमी की समस्या से ये विद्यालय भी जूझता नजर आया। जहां योगी सरकार पूरे प्रदेश में विद्यालयों पे पूरी नज़र बनाए हुए है, सारी समुचित व्यवस्था और स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर कर रही है, बच्चों के मिड डे मील की पूरी व्यवस्था कर रही है, शिक्षकों की पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। इस कमी को दूर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी स्कूल में किसी विद्यालय में 800 के आसपास बच्चे हैं तो उनके उसी हिसाब से उनको शिक्षकों की ज़रूरत भी है, और शिक्षकों के कम होने की वजह से बच्चों को प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि प्रदेश में योगी सरकार पूरी तत्परता से अपने विद्यालयों को पूरी तरह सारी सुविधाएं दे रही है। समय पर मिड डे मील मिल रहा है बच्चों को, समय पर उनको यूनिफॉर्म मिल रही, समय पर जूते मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी जिले के कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कुछ कमियाँ देखने को मिल रही हैं, कुछ शिक्षकों की कमियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे इस विद्यालय की, जहाँ कंपोजिट विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, 800 छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी शिक्षकों की कमी होने के कारण वहाँ पे अभी भी बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाई के अवसर वो नहीं उस तरह से नहीं मिल पा रहे जिस तरह से मिलने चाहिए। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।